अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाई हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो लोग न्यू इनरोल्ड हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि अभी स्टार्ट ही हाल ही में ही एक सेशन स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 14 को, फॉल 2014 का। अभी हमारा एक और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि फरवरी 2025 में एडमिशन्स ओपन है और अप्रैल से उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़े बहुत भी डाउट हैं, उनके लिए क्या आसानी हो सकती है, कहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये ओरिएंटेशन डे से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो है, उम्मीद है आप लोग के लिए कारामद साबित होगी। पहले तो मैं वर्चुअल इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। वीयू बेसिकली इस्टेब्लिश हुई है 2002 में। पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और इसका निज़ाम इंतहाई शफाफ किस्म का है। मतलब कि अगर आपने कहीं से भी चिटिंग करने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो आपको बहुत ही आसान तरीके से फेल कर दिया जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली ज़ीरो मार्क्स दे दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 भी नहीं, डायरेक्टली ज़ीरो। सेकेंडली, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फेडरल बोर्ड की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, इसका ताल्लुक किसी भी प्राइवेट सेक्टर से नहीं है। वीयू में एडमिशन के लिए सबसे पहले हम वीयू की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, वीयू में वीयू की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, www.veeu.education.pk। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान का निज़ाम इंतहाई सुस्त रफ्तार इंटरनेट है, ऐसे हालात में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ा कैसे जाए। चलो दोबारा कोशिश कर लेते। वाओ, लकी। अच्छा जी, तो भाई ये एक अच्छी सी वेबसाइट हमारे पास वीयू की ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं प्रॉपरली तौर पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे काम किया हुआ है। ओरिएंटेशन हो चुकी है 2024 फॉल में जिन्होंने एडमिशन लिया था। अब नवंबर में क्रिकेट टीम का एक इनाकार चल रहा है। काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में इनवाइट किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ स्टूडेंट शेयर करें वीयू के साथ, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप लोगों के लिए आगे चल के जो है वो कारामद साबित हो सकती है। खैर, आते हैं हम एडमिशन की तरफ। अगर आप बिल्कुल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप जॉब की वजह से स्टक है या मैरिड है या फिर अपनी ऐसी मसरूफियात की वजह से स्टक हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपरली यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन स्टडी नहीं कर सकते, तो वीयू आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एडमिशन्स की आपने देखा सेकंड ऑप्शन हमारे पास एडमिशन का है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबाउट। अबाउट में आपको वीयू की इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन के हवाले से विजन एंड मिशन बताया जाएगा, मोड ऑफ़ एजुकेशन बताया जाएगा कि बेसिकली वीयू का मोड ऑफ़ एजुकेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में बताया जाएगा, ऑफिस स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, रेक्टर्स मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। हम आ जाते हैं फिलहाल एडमिशन पे। एडमिशन के बाद अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स अगर आप इनके देखें तो BS आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं, BD ऑफ़र कर रहे हैं, एसोसिएट डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में देखें तो MS ऑफ़र कर रहे हैं, इसके अलावा डिप्लोमाज इनके हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, इवन के ज़ीरो सेमेस्टर उन लोगों के लिए अच्छा है। ये ज़ीरो सेमेस्टर बेसिकली मैं आपको बताऊँ ये उनके लिए होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप किसी ने इंटर किया, इंटर के बाद BCom किया या फिर कोई सी भी एक डिग्री ली और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी वो डिग्री क्लियर नहीं कर पाए और कुछ हादसात की वजह से या शादी की वजह से या फिर किसी भी एक्सक्यूज़ की वजह से उनकी स्टडी बीच में जो है वो ड्रॉप आउट हो गई, तो वो अपनी इंटर और उस डिग्री के साथ एक ज़ीरो सेमेस्टर अटेंड करेंगे जो कि कुछ 4 मंथ्स का होता है। उसमें वो पेपर देंगे और इस पेपर देने के बाद मैक्सिमम मिनिमम भी उनको ये 4 सेमेस्टर का 1 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है। इसमें इनको 60% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर चाहे वो 60% मार्क्स ला के कामयाब हो जाते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं वीयू में एडमिशन लेने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी आसानी है लोगों के लिए कि वो
जो है अपनी स्टडी को बहुत आसानी से जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर प्रोसीजर में आते हैं, हम अप्लाई नाउ में जाएंगे। अप्लाई नाउ में जाने के बाद जिनका ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट तो वो यहाँ से लॉग इन करेंगे, और जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ वो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल करेंगे, लाइक फुल नेम, अपना CNIC, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड अपना रीटा पासवर्ड, डन साइन अप। उसके बाद इसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन उस फॉर्म को फुल करना होगा। उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए जो है आसानी का बाइस रहेंगी, ठीक है। अच्छा सेकेंडली अब मैं चलती हूँ, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी BU में एडमिशन ले चुके हैं तो उनके लिए सबसे एक बड़ा मसला ये होता है कि हमने एडमिशन तो ले लिया, अब हम अपनी स्टडी कैसे करें। तो स्टडी करने के लिए तो सबसे पहले आपके पास हैंडआउट्स होने चाहिए। हैंडआउट्स के लिए आपको BU की ही वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंडआउट डाउनलोड करने को मिलेंगे। लाइक आप यहाँ लिखते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैंडआउट्स, कुछ इस तरीके से। इसको आप जैसे ही सर्च करोगे आपके पास BUkhanpur.com की फर्स्ट BU हैंडआउट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपका जो भी कोर्स है आपके अकॉर्डिंग टू कोर्स कोड, अकॉर्डिंग टू कोर्स नेम, आप यहाँ से अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद देखो मेरे पास बहुत सारे डाउनलोड हुए हुए भी हैं। मैं फ़िलहाल खोल लेती हूँ सोशोलॉजी, तो आपके पास पूरी एक बुक डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज़ BU बुक नेम भी रेफ़र करती है, आप चाहो तो परचेज़ कर लो, चाहो तो हैंडआउट्स कर लो। मेरा मशवरा है कि 90% पेपर हैंडआउट से ही आता है, तो लोग हैंडआउट यहाँ से फ्री में डाउनलोड करें और इसी से तैयारी करें, आसानी रहेगी। अच्छा इसके अलावा गूगल पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी BU से रिलेटेड। लाइक अगर आप यहाँ जाते हो लिखते हो BU यूनिवर्सिटी मिड टर्म्स पेपर, आपको डेट शीट के हवाले से भी गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा सा पैटर्न मिल जाए तो आप पास पेपर्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। BU सॉल्व पेपर भी हैं यहाँ पे, लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, यहाँ से आइडिया हो जाता है, आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है जी। और बहुत सारे बाय मौज, बाय वकार सिंधु, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर प्रॉपरली तौर पर वीडियो और पेपर्स वगैरह डालते हैं, तो आप यहाँ से इनके पेपर्स को डाउनलोड करके और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो इन्होंने एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई हुई है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। जो भी आपको MCQs चाहिए, आपको शॉर्ट पेपर्स चाहिए, आप इजीली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी सेकेंडली अब मैं आ जाती हूँ LMS मेन लर्निंग मैनेजमेंट प्रोग्राम की। जो वेबसाइट ओपन होगी, जो पोर्टल ओपन होगा वो सिंपल है कि आप यहाँ जाओगे लॉगिन LMS पे। ये सबसे बड़ा मसला इनका मसला ये है कि भाई वेबसाइट की जो है वो हो जाती है क्रैश। तो अब जब तक ये वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती तब तक मैं आपको आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ। जब तक आप फ़िलहाल ये वीडियो इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।